देखो देखिए, हम लोग सारे लोग तैयार हैं, तैयार हैं, तीन तीन बहने। सोशल अवेयरनेस, फिर सोशल। मामी जॉब करती हैं बहुत बड़ी कंपनी में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ भी रहते हुए आप लोगों से लगातार कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। आज यहाँ पे हल्दी है, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट्स लगातार देख रही हूँ और मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को पहले उसका जवाब दे देती हूँ, और यहाँ पे जो फंक्शन है उसको भी मैं देख रही हूँ। तो एक कमेंट मेरे पास आया था कि दीदी, मैं अपने ही विषय से TGT का फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका ग्रेजुएशन में बस 2 साल है। हिंदी विषय से वो TGT करना चाहते हैं, लेकिन दो साल ही है। लास्ट ईयर में उन्होंने छोड़ दिया था और उन्होंने संस्कृत से किया था, इंटर किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 साल होना ज़रूरी है। अपना विषय जिस भी विषय से आप करना चाहते हैं तो 3 साल होना ज़रूरी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक सब्जेक्ट से अलग से भी उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप बात कर लीजिए जहाँ भी, अगर आप हिंदी विषय से करने में इतने ही इच्छुक हैं तो आप बात कर लीजिए, आप अलग से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो सारी चीज़ें यही चल रही हैं और यहाँ फंक्शन हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं और छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अच्छा ही लग रहा है। चलिए फिर इसी तरह से आप लोगों से मैं मिलती रहती हूँ। ये हैं हमारे दूल्हे राजा और इन्हीं की शादी है। हम लोग शादी में आए हैं, आज हल्दी है। यहाँ मम्मी भी तैयार हो गई है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कह रही है इतना ज़्यादा कर दी हो। यहाँ पे देखिए अब सजावट शुरू हो गई है। छुए हो ना? अरे क्या हवाल था, हमको छूते हैं। इनका बच्चा कल मार्च से मिला, वहाँ से आया 100% पर मार्च का इनका। अरे वाह, फिजिक्स के लेवल हो? फिजिक्स में गुड, और मैथ्स में 90। वाह गुड। हर सब्जेक्ट बता दो मम्मी, सब सब्जेक्ट भाई पढ़ी थी क्या? हर सब्जेक्ट हिंदी। तो क्या आप बनना क्या? तुम क्या सोचे हो? फिर भी अभी आपको लग गया ना? आईएएस गुड, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अभी से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th तक बेसिक तो चाहिए चाहिए, फिर बाद में सोशल अवेयरनेस, फिर सोशल। मामी जॉब करती हैं बहुत बड़ी कंपनी में, पता है? हाँ, तो ये देखो बुआ तुम्हारी अभी भी काम पे लगी हुई है। ऐसे डेडिकेशन होना चाहिए, शादी हो कुछ हो सैलरी में होना चाहिए। शुरू करूं? भगवान मंत्र सुनिए ना, भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से भगवान के चरणों में समर्पित होइए। प्रभु आज आपने मुझे सौभाग्य दिया है कि 16 संस्कार में विवाह संस्कार के निमित्त मैं पूजा अर्चन वंदन कर रहा हूँ। जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो, कोई त्रुटि हो, हमें क्षमा प्रदान करते हुए अपने चरणों का शुभ आशीर्वाद दीजिए। मेरे जीवन में सदा मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो। बोले साझे दरबार की जय, बोले गर्जन भगवान की जय, मातु की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। माता पिता को प्रणाम करो। बोले माता पिता की जय। राष्ट्रीय मुद्रा मीडिया में ही महालक्ष्मी महागौरी महाधा कपड़ा ना खराब होगा।
लगनी हो रे ये वाना दो ये कंधा माथा ऐसे लगा करके चूम लेना। धीरे धीरे जुमावत हो बनना धीरे धीरे।